आलू की भुजिया खाया करती थी और पराठे। मेन थिंग इज दिस, तो ये है हमारी मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी स्विच ऑन कर देंगे। यूट्यूब फैमिली, मैंने इस कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल चुका है, बिकॉज सबसे पहले हम ऐसे करके चेक कर लेंगे कि हमारी तेल गर्म हुई है या नहीं। अरे आलू में अच्छे से ऑयल आ जाए। गाइस, जब तक कि मेरी आलू की भुजिया पक रही है ना, आप मुझे बताओ आपके स्कूल टाइम में सबसे फेवरेट वाली भुजिया कौन सी हुआ करती थी। ये कितनी अच्छी लग रही है इसकी कलर। और सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपने पेरेंट्स की अच्छी सी देखभाल करते होंगे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे। सो टुडे आई एम गोना मेक टेस्टी, सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलीशियस डिश। गेस व्हाट, क्या हो सकता है? आलू की भुजिया यानी कि पोटैटो फ्राई। तो चलो बनाते हैं। एंड हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने एक बार बना लिया ना, देन ट्रस्ट में आप हमेशा बनाओगे, क्योंकि वो इतनी टेस्टी बनने वाली है। एक्चुअली प्रीति आपको वो रेसिपी शेयर करने वाली है ना, और आपको तो पता होगा ही कि प्रीति कितना टेस्टी बनाती है कुछ भी खाने पीने का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। तो माई यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले हमें चाहिए आलू की भुजिया बनाने के लिए आलू यानी कि पोटैटो। तो ये रही पोटैटो और ये कुछ इस शेप का दिखता है, बिकॉज आपने तो कभी देखी होगी नहीं, तो मैं सोची कि भला आपको आज आलू दिखला ही देती हूँ। मेन थिंग इज दिस, तो ये है हमारी मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं कड़ुआ तेल एंड सरसों का तेल। तो इसे हम इंडियंस और भी तरह से यूज़ करते हैं, लाइक इसको हेयर में यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र के रूप में भी यूज़ करते हैं, और हाँ कुकिंग ऑयल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑयल मल्टीपल चीज़ों के लिए बना है, और हम इंडियंस होते ही हैं टैलेंटेड, देसी चीज़ है ना, तो देसी चीज़ तो सब चीज़ में यूज़ होता है गाइस। तो हाँ, और एक और बात बताऊँ, बहुत लोग ना ये मस्टर्ड ऑयल को ना अपने ईयर ड्रॉप के लिए भी यूज़ करते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ से जो है इसे हम ऑन कर लेंगे। एंड थोड़ी हमें ज़्यादा हीट नहीं, 500 आई थिंक 300 काफ़ी है, और इसे हम यहाँ से हटा देंगे एंड इसे थोड़ी हीट होने देंगे। यूट्यूब फैमिली, मैंने इस कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल चुका है, बिकॉज हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी। एंड ये भी थोड़ी गर्म होने के बाद ना आपको पता चलेगी, देखो ये ना थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे धुआं धुआं सा फेंक रहा है। सो अब हम इसमें चेक करेंगे, सबसे पहले एक आलू लेंगे एंड इसमें डालेंगे। अरे ये भी हो गया यार, तो चलो अब हम लोग ना इसमें डालते हैं। वैसे हमें ना ग्रीन चिल्ली की भी अतिशीघ्र ज़रूरत थी, बट गाइस क्या ही बताऊँ आप लोगों को, हम आपसे पहले हम ऐसे करके चेक कर लेंगे कि हमारी तेल गर्म हुई है या नहीं। अगर ऐसे हुई तो हाँ, आप ये डन है कि भाई हाँ हो चुकी है, अब हम इसमें सारे आलू को डाल देंगे। तो चलो डालते हैं। ये रही हमारी सारी आलू और अब हम इसमें डाल देंगे। हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट रखेंगे एंड देन ये थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी पकना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस, जब तक कि मेरी आलू की भुजिया पक रही है ना, आप मुझे बताओ आपके स्कूल टाइम में सबसे फेवरेट वाली भुजिया कौन सी हुआ करती थी। वैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे ना आलू की भुजिया अभी भी बहुत अच्छी लगती है, और यूकेजी से ही मेरी ना फेवरेट भुजिया थी, और मैं ना स्कूल टाइम में थी और मेरी मम्मी मेरे से बहुत परेशान थी इस चीज को लेकर। थोड़ी कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये रहा मेरे पास कोरिएंडर पाउडर और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी
भाई चला जाए चला जाए चला जाए।